जी, जाने कैसे कैसे मुश्किलें पार करके दोनों बच्चों ने कंपटीशन का एक एक राउंड जीत लिया है। आसान नहीं होगा ये तो पता था, पर इतना मुश्किल होगा ये नहीं पता था। जैसे आप उनके ऊपर अब तक हाथ रखे हुए हो ना, अब भी मेहर बनाए रखना बाबा जी। ओए पुत्र जी, रब ते भरोसा कर। ओए इन्हां डकोसलियां च कुछ भरोसा नहीं। ओए रब नूं मन च याद करेंगे ना, ओ तेरा सारा काम पूरा हो जाए। तू होर लै प्रसाद। मां होना बच्चों को लेके कुछ ऊंच नीच हो जाए ये सोचे तो मन घबरा ही जाता है ना। ओ अगर मन नहीं मनदा ना, ओ जा बाबे को माफी मांग लै और बच्चों की अरदास कर। कहाँ जा रही हो? फूल रखने। मंत्री साहब आ रहे हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ। गोली लगने के बाद भागने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, वरना सबके सब पकड़े जाएंगे। इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हमें भगदड़ मचानी पड़ेगी, समझे? हाँ भाई, सब रेडी से ना? सुन, वक्त आ गया है। नमस्कार मिनिस्टर साहब, पाक इंटरनेशनल आपका स्वागत करता है सर। भाई तैयारी तो खूब कर रखी है आपने। जी। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम टू पार्क इंटरनेशनल स्कूल। हम सब बच्चों की तरफ से आपको एक छोटा सा वेलकम। शुक्रिया बच्चों। भाई मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे बच्चों को खूब बढ़ावा मिले। आइए सर, आइए। ये मौका किसी भी हाल से अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, समझे? सामने बहुत सारे बच्चे आ जा रहे हैं, मौका ठीक नहीं है। अगला मौका बेस्ट है जब वो स्टेज पर अकेले हो। ओह सॉरी सॉरी सर जी। ये सेम टैटू तो मैंने बाइक वाले के हाथ पे भी देखा था। चल छोड़ जान दे यार। कोई एक मिनट सर जी, आपका कोई भाई भी है जिसका सेम टैटू है जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था? मतलब? जी मतलब ये कि आप बड़े दिनों से फोटो खींच रहे हो क्या किसी? ओए छोटू मैं क्यों तेरी फोटो निकालूंगा? अरे गाँव में नहीं देखा क्या मेले में टैटू वगैरह बनवाते है? वही बनवाया। चल। ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ पर इतने फैशनेबल टैटू बनते हैं? कुछ तो है माजरा।
चिंता में लग रही है, उससे मेरा प्रसाद भी गिर गया। बाबा जी हमारे बच्चों का ख्याल रखें। भाई है थारे को? वो सर जी, वो देखो, वो जो लंबा सा बंदा है ना, हाँ, वो कल हमारी तस्वीरें ले रहा था। फोटो ले रहा था मतलब? सर जी फोटो ले रहा था मतलब मेरी और रिया की ना छुप छुप के फोटो ले रहा था। सर फंक्शन के लिए चलें? हाँ हाँ क्यों नहीं। जब वो है ना मिनिस्टर साहब को बॉडीगार्ड थे, जब भाई उसे क्या इंटरेस्ट था फोटो निकालने में? सर जी आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कुछ तो गड़बड़ है पक्का। चल तू ठंड रख, मैं देखूं उसको। सर जी जा रहे हैं वो लोग। हाँ चला मेरे साथ। पाक एकेडमी इंटरनेशनल की तरफ से हम हमारे कल्चरल मिनिस्टर मिस्टर रमाकांत गोसाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। SOTY के विनर की स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारे स्कूल की तरफ से SOTY के स्टूडेंट्स आपको एक मेमेंटो पेश करेंगे। गन के साथ सामने वाले बिल्डिंग के टेरेस पे। एक काम करो, टेरेस पर अच्छे से चेक करो। और हाँ सतर्क रहना, हो सकता है वो गनमैन वही हो। क्या मतलब कोई नहीं है, निशाने के लिए पोजीशन बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कुछ नहीं मिला। और मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है वो आदमी गन के साथ था। मारे को के लगे पता है, जे छोरी को है ना वहाँ छत के ऊपर दिखे क्रो काला कौवा। नहीं सर पक्का, वो टेरेस पे कोई तो था, वो भी गन जैसा कुछ था उसके हाथ में। एक मिनट, तुम्हें उसका कोई गुलिया याद है? जैसे उसके कपड़ों का रंग, स्किन का रंग, ये कुछ तो याद होगा। नहीं सर ये सब तो याद नहीं है, लेकिन सर कोई तो था, उसके हाथ में गन जैसा भी कुछ था भाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सके कि कोई आदमी वहां पे खड़े रह के अपना फंक्शन देखे। और तू क्या कह रही है कि गन जैसी थी? गन तो ना थी। और जब तूने उसको देखा तो वो चला गया। करेक्ट, मुझे भी यही लगता है। सारे बोल रहे हैं कि पॉसिबल है वहां पर कोई ना हो, तू के बीच में घुस रही है वे हवा में तुक्के मार रही पागल। ठीक है सर, मंत्री जी आपको बुला रहे। जे सर जी मैं क्या कह रहा हूँ ना, जे काफी हंगामा हो चुका है अब, और जे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ना इनको अपने घर भेज देते हैं। मैं आऊँ सर भाई? अब जब लास्ट राउंड कब होगा कैसे होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब आप लोग घर जाइए और स्टूडेंट्स को भी बोल दीजिए कि कैंपस से दूर रहे, इट्स नॉट सेफ। तेरे मान या ना मान, वो गन लेके खड़ा था, मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग ही थी। मारने की बातें मत कर, मेरे को किसी को मारने का मन होता है।
पड़ी है? मेरे को रिया की क्यों पड़ी होगी? हम है कौन उसके? हम नहीं, सिर्फ तुम। तू है ही कौन उसका? सुबह से देख रही हूँ मैं, सब रिया रिया करे जा रहे। कहाँ से आएगी, उसके बुके का है, मेरी इतनी बड़ी गल हो गई है, और तू अभी भी उसको देख रहा है। और उसको देख, अभी भी आदित्य के साथ घूम रही है। अपने पन की भी हद होती है। कमली गई थी, अभी भी आदित्य की, मतलब कमली है, पागल गई है। देश को इतना नुकसान पहुंच रहा है, मिनिस्टर सर पे गोलियां चलने वाली थी, और इसको देख, देश की नहीं पड़ी आदित्य की पड़ी है, है कि नहीं पागल? उड़ा ले मजाक को, जितना उड़ाना उड़ा ले। बाबा जी ना करे कुछ गलत हो जाए ना, पर बात करूंगी तुम सबसे। पहले इतना बात कर रही है, और कितना बात कर रही है? ठीक है, मेरी बात मान या ना मान, मुझे पता है मैंने क्या देखा है। सुमेध थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी जान बचा ली। जब ऐसे आपके जान लेने वाली कोई बात थी नहीं सर जी। क्यों नहीं? मारे को तो यही लगे कि आपने है ना बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो और जनता है ना, जो पब्लिक है, जो आपको बहुत प्यार करे, तो फिर आपकी जान कोई कोई लेना चाहे। वो तो है सुमेध, हम नेता लोग कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका असर हमें नहीं दिखता, लेकिन बाद में कोई छोटी सी एक गलती किसी के जीवन की बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। अब हर किसी पर तो हमारा कंट्रोल है, ये जनता हमें जितना प्यार देती है उससे कहीं ज्यादा नफरत देती है, पर खैर यहाँ तो सब अपने हैं, चिंता की कोई बात नहीं। यार आज स्कूल की छुट्टी इसलिए थोड़ी मिली थी कि पापा जी के कहने पे बाइक साफ करनी पड़े। मेरे को लगता है धीरे धीरे ना सारे लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। यूज एंड थ्रो टाइप। ये कचरे का डिब्बा यहाँ क्या कर रहा है? हेलो रिया, तुमसे 2 मिनट मिलना था, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। श्योर। I was just passing by, so. That's great. Even I wanted to meet you. हाँ कहो ना रिया। Actually आदि पिछले हफ्ते में जो कुछ भी हुआ, I know तुम्हारे dad का pressure था और अंकिता की bad influence थी, but तुम ऐसे नहीं हो। मैं ऐसा होने लगा था रिया, पर अब नहीं। तुम्हारी mom actually बहुत cool है। जो lesson उन्होंने मुझे दिया। I know, इसलिए तो मैं सोच रही थी तुम ये सब बातें भूल के पहले जैसे हो जाएगी। What do you mean? I mean, भूल जाते ना वो सब, उसे याद रखते हमारी relationship, हमारी liking. Are you serious? Actually, मुझे second chance दे रही हो. Yeah, I really think I don't deserve it. उसे आदि, पर please मेरी मॉम जी को नहीं पता चलना चाहिए. इनफैक्ट किसी को पता नहीं चलना चाहिए. I promise. किसी को क्या कर रहा है? बाइक खराब है क्या? हाँ खराब है, थोड़े दिनों पहले ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन एक नंबर की ढीठ निकली, लगता है इसके दिमाग में कचरा भर गया है। स्टॉप इट ना, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। नॉइस पोल्यूशन बंद करेगा तो सुनाई देगा ना? तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ है, आंखें खोलो तो दिखाई देगा ना? सुनाई दे रहा तो रेस को मार रहा है, बंद करना। आंखें तो तुम्हारी भी खुली है ना, फिर बेवकूफ क्यों बन रही हो? ऐसे लोगों के साथ में रहोगी ना तो बेवकूफ ही लगोगी। तेरे बाप का पेट्रोल पंप है, तेल मुफ्त आंदा है, रेस पे रेस दिए जा रहे। पापा जी वो क्या है ना, वो पेट्रोल की जो टंकी है ना उसमें कचरा घुस गया है। दिख रहा है मेरे को, आज अंदर आ जा, कचरा साफ करते हैं, अंदर आ जा। पापा जी वो बाइक धो लेता जरा। जो
दूंगी। तो सर जी जय होगा SOTY का आखिरी राउंड, मतलब ये कैरी ऑन केक मींस के सर SOTY सर्वाइवर राउंड। सर जी 3 दिन तक ये बच्चे है ना जंगल में रहेंगे और बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़े इनको। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी रिस्की। सुमेर मैंने हर तरह की छूट दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। सर जी कैसी बात करें आप, आपको हमारे पे भरोसा नहीं। जे सुनिए मैं तो यही बोलूँ ना कि जे पूरा जो है ना कंट्रोल एनवायरनमेंट पे हो, CCTV कैमरे लगे हो और जे हमारे बंदे है ना ऑब्जर्वेशन करें। सर जी 3 दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद है ना, आग में तपने के बाद है ना, जे दब डाकर निकलेगा आपका SOTY विनर माने स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मौमजी जाता है? अरे वो मिनिस्टर गुसाई के घर गए। रिया मैंने सुना मिनिस्टर साहब तुम्हारे स्कूल में गिर गए थे। अकॉर्डिंग टू जस्सी तो बच गए थे, बट इतनी सी खरोच के लिए डैड वहाँ क्यों गए? वो क्यों गए मतलब? डैडी उनके फैमिली फिजिशियन है, तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा। ओके मैं देखती हूँ। ओके मैं MCD से हूँ, आपकी कंप्लेंट आई हुई है जी। आपने Major 9 फ्लोर लगा रखा है जिसकी परमिशन आपके पास नहीं है, इसलिए हमें ऑर्डर है उसकी चेकिंग करने का। ये कौन सा Major 9 फ्लोर? कौन है आप, अंदर कैसे आए? मैं MCD से रेगुलर चेकिंग के लिए आया। MCD चेकिंग ना, ID प्रूफ या कोई वारंट दिखाइए। दिखाइए सर, आप गलत घर में घुस गए हैं। ये 38 नंबर है, हमें 88 में जाना था। सॉरी मैडम। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रिया, इन लोगों को अंदर क्यों आने दिया? आर यू ओके? मॉमजी उन्होंने कहा कि वो MCD से, सो आई थॉट के व्हाट, किसी भी अजनबी को इस तरह से घर के अंदर नहीं घुसने देते। घर के अंदर लेने से पहले उनका ID प्रूफ, कोई वारंट, कुछ तो चेक करना चाहिए था ना। इस वक्त डैडी भी घर पर नहीं है, अगर वो अंदर आकर कुछ करते तो व्हाट वुड वी डू? या सोच समझ कर करो ना, जस्ट यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। कुछ भी करती रहती हो। हेलो जी, हाँ मैं रिया की मम्मी बोल रही हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.